अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नावल चौधरी। तो आज का व्लॉग जो है ना, ये हमारे एक भाई ने पौधे पूछे थे, बेसिकली सिट्रस के ही थे। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आया कि जिस तरह खट्टी पे जितना भी सिट्रस है, किन्नो, माल्टा, मौसमी, फ्यूटर, हर चीज़ ग्राफ्ट होती है। तो उन्होंने पूछा था कि हमें नारंगी पे ग्राफ्ट मिल जाएगी, तो मुझे वो पौधा चाहिए। क्योंकि उनका जो माइंड था, उनका ये था कि यानी बहुत ज़्यादा वो नारंगी मीठी होती है बेसिकली, तो उनका जहन था कि शायद वो ज़्यादा मीठा फ्रूट होगा। तो मैंने कहा कि ये उन्होंने तो क्वेश्चन किया है, उन्होंने तो पौधा पूछा है, तो इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों से सबसे शेयर कर दूँ। तो बात ये है कि सबसे ज़्यादा सिट्रस जो है ना, वो खट्टी पर ग्राफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू नारंगी। नारंगी पर इस वजह से नहीं ग्राफ्ट कर सकते, क्योंकि अगर नारंगी पर ग्राफ्ट करेंगे तो एक तो पहली तो बात है कि उसकी ग्राफ्ट चलने के चांसेस बहुत कम होंगे, और दूसरी बात यह कि फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ्ट चल भी जाती है नारंगी पे, तो वो एक साल बाद या दो साल बाद वो पौधा डैमेज हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। बेसिकली शेल्फ लाइफ पौधे की नहीं होती इतनी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम किन्नों पर किन्नों कर लें या कोई और चीज़ कर लें, मीठे पर मीठा कर लें, यानी कर तो सकते हैं, वो चल भी सकती है कलम, लेकिन उन पौधों की शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि खट्टी पे हम पौधा ग्राफ्ट करते हैं, तो वो खट्टी वाले पौधे जो है ना, आगे किन्नों की है हमने या मौसमी की है, उसका हम ऑर्चर्ड लगा देते हैं, तो वो ऑर्चर्ड साल हर साल तक जो है ना हमें फ्रूट देता रहता है। 20-20, 30-30 साल, 25-25 साल तक पौधे जो है ना वो बेहतरीन खड़े रहते हैं और फ्रूट देते रहते हैं, यानी उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से खट्टी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कि ये काफ़ी हार्ड होती है और टफ इन्वायरमेंट को हर एरियाज़ में जो है ना वो बियर कर लेती है। इस वजह से नारंगी पे या किसी और चीज़ पे जो है ना वो ग्राफ्ट इस वजह से नहीं की जाती और वो पॉसिबल नहीं होती। और अगर हो भी जाए, ये नहीं है कि चलती नहीं, चल जाए तो उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। तो जैसा कि ये पौधा मेरे हाथ में है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, ये जो बेस है ना इसकी, ये खट्टी की है, तो ये आपको कलर डिफरेंस नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर जो ग्राफ्ट हुई हुई है, तो वो आपस में इसके साथ जो है ना वो मिक्स हो चुकी है अब तो, क्योंकि पुरानी ग्राफ्ट हुई हुई है, ये कलर डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। तो ये इस वजह से मैंने कहा कि ये जो है, ये एक पॉइंट था आप लोगों से डिस्कस करना ज़रूरी था। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं आप लोगों से रेगुलर शेयर करता हूँ। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो इस तरह फ्रूट प्लांट्स के अंदर या लैंडस्केप की सर्विसेज के अंदर, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, इंशाल्लाह बेहतरीन आप लोगों को सर्विसेज दी जाएंगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।